हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपके साथ मसाला मूंगफली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आइए देखते हैं मसाला मूंगफली बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मसाला मूंगफली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच बेसन, और ये है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और यह है नमक आधा छोटी चम्मच, काला नमक आधा छोटी चम्मच, और यह है हींग 1 पिंच। और यहाँ पर मैंने लिया है भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, और यह है गरम मसाला 1 चम्मच, और यह है 1 चम्मच चाट मसाला, और यह है 1 चम्मच लाल मिर्च। तो आइए मसाला मूंगफली बनाना शुरू करते हैं। मसाला मूंगफली बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बाउल में ये जो कच्ची मूंगफलियां हैं इसे डाल देते हैं। और अब इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच पानी, ज्यादा नहीं मिलाना है, बस 2 चम्मच डालेंगे मसालों को कोट करने के लिए। और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बस मूंगफलियों में अच्छी थोड़ी सी नमी आ जानी चाहिए। और अब इसमें मिक्स करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे नमक, और ये काला नमक, हल्दी पाउडर, और ये हींग, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, और ये लाल मिर्च। सभी मसालों को मूंगफली के ऊपर अच्छे से कोट करेंगे इस तरह से। और ये देखिए, सभी मसाले मूंगफली के ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं, ये देखिए। और ये देखिए, मसालों को मैंने मूंगफली के ऊपर अच्छे से कोट कर लिया है, ये देखिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कोट हो चुके हैं। और अब हम इसे अलग रख देंगे। और अब इसके बाद छोटे बाउल में बेसन डाल लेंगे, और ये कॉर्नफ्लावर। और अब इसमें मिलाएंगे आधा छोटी चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बेसन और कॉर्नफ्लावर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसे मूंगफली में मिक्स करेंगे, और अब इसे धीरे धीरे करके इसमें मिला देते हैं। ज्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले मूंगफलियों को कोट करेंगे इस तरह से। और अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच पानी, और अब इसमें मिलाएंगे ये बेसन और कॉर्नफ्लावर है, इसे मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मसाले हैं और बेसन है और कॉर्नफ्लावर है, मूंगफलियों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाना चाहिए इस तरह से, ये देखिए। अभी मुझे पानी की जरूरत और लग रही है, तो मैं 1 चम्मच पानी और मिला रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और ये देखिए, मूंगफली के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। और यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल भी गर्म कर लिया है, और अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, और इसके बाद हम मूंगफली फ्राई करेंगे। और अब इसे धीरे धीरे करके ऑयल में डाल देते हैं। और अभी इसे ज्यादा हिलाना नहीं है। और अब इसे धीरे धीरे करके उलट पलट कर लेंगे, जिससे कि ये दोनों तीनों तरफ से अच्छे से सिक सके।
और ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे धीरे धीरे करके पैन से बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मसाला मूंगफली को मैंने फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। और ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितने क्रंची बने हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा और स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और ये है चाट मसाला। और मिक्स कर देते हैं मसालों को। और ये लीजिए चटपटे मसाला मूंगफली बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।